नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे अडानी पावर की। जी हाँ, बहुत ही बम्पर रिजल्ट पोस्ट किए हैं इन्होंने और 83% ईयर और ईयर आपको जम देखने को मिल रहा है। 8,759 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। और बाकी कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं और क्या इसकी संभावनाएँ बनती हैं हम लोग लास्ट में चार्ट में देखेंगे, और इसके जो टारगेट अगले निकल के आ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसे क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है रिजल्ट्स का उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं वो जानते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा एनालिसिस करते हैं रिजल्ट्स का, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जैक्टली इसी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ बच के रहिए, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह भी, अडानी इंटरप्राइजेस के रिजल्ट आए थे, और अपने वीडियोस के लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ। जैसे अडानी विल्मर के कल रिजल्ट आए थे, एनालिसिस किया था, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ केवल काम की, आप लोगों की। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2:03 का ये अपडेट है, और 2:40 पर यहाँ पर रिजल्ट आया है BSC और NSE को उन्होंने बताया है। और ये रिजल्ट है, यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, इससे अच्छा हम लोग पूरा यहाँ पर देखेंगे आगे, जहाँ पर पूरा ईयर ऑन ईयर आपको और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं, 1,06,008 करोड़ का है। ROC 15.8% बढ़िया है। ROE देखिए क्या बेहतरीन आपको 44% का दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देख पा रहे हैं 75% के आसपास की है, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर डेट टू इक्विटी 1.40 है, जो कि ज़्यादा है। डेट आप देखिए 42,181 करोड़ का है। और यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री का PE है 25 और स्टॉक का PE है 7, तो अभी मतलब इसके हिसाब से आपको अच्छा खासा सस्ता मिल रहा है। 132 रुपये का लो लगाया, 433 रुपये का हाई लगाया, और अभी फिलहाल 275 रुपये पे चल रहा है। हम लोग बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर आपको देखिए क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जून में थी 13,723 करोड़ पिछले साल, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी घटी है। आपको देख पा रहे हैं सेल में गिरावट देखने को मिली है, 11,006 करोड़ का यहाँ पर आपको आई है सेल। लेकिन अगर मार्च 2023 से देखेंगे तो वहाँ से आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 10,242 करोड़ के हिसाब से 11,006 करोड़ है। लेकिन अगर आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में नज़र डालेंगे तो यहाँ पर 32% का निकल के आया, बहुत बढ़िया है। उससे पिछले क्वार्टर में 19% था, लेकिन जून 2022 में 42% का निकल के आया था। तो यहाँ पर भी 49-33 यहाँ पर अच्छा निकल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर डाउन देखने को मिला था। बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट, और 8,759 करोड़ का आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5,242 करोड़। तो यहाँ से आपको बढ़िया जम देखने को मिल रहा है। और जून 2022 में पिछले साल इसी क्वार्टर की मैं बात करेंगे तो वहाँ से 4,780 करोड़ से 8,759 करोड़ का है। तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया प्रॉफिट में जम देखने को फिलहाल मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साल दर साल की। देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सारे वाले करोड़ में सेल्स आप देखिए यहाँ पर 38,000 करोड़, से पहले 27, 26, 24, 23, 20, देखिए क्या बढ़िया आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पर आपको 36,000 करोड़ की दिख चुकी है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 14,000 करोड़ का अभी हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ में, उससे पहले वाले साल में 10,000 करोड़ का, उससे पहले वाले में 4,912, उससे पहले 1,270, और इधर आप लगातार लॉस देख रहे हैं। तो क्या बढ़िया आपको यहाँ पर भी अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पर FII और DII दोनों ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। अभी हम देखेंगे रिजर्व, देखिए यहाँ पर 25,742 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि मार्च 2022 में थे आप देख पा रहे हैं 14,600 करोड़ के, मार्च 2012 में 3,862 करोड़ से यहाँ पर आपको, यहाँ पर तो एक बार माइनस में भी आ गया था, उसके बाद फिर लगातार ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। हाँ FII देखिए 11.70 से 11.95 हो गए हैं, और DII देखिए 0.01 थे, वहाँ से आपको 0.04 बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। रिटर्न्स की बात करें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए, 1 मंथ में 10% है, और बाकी 6 महीने में देखिए बम्पर रिटर्न दे चुका है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में देखिए क्या बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो 2 करोड़ का वॉल्यूम इसने आज जनरेट किया है, 2 करोड़ का वॉल्यूम इसने कल जनरेट किया था। लगभग 30% के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी, 1 वीक एवरेज 36% डिलीवरी है, 1 मंथ का एवरेज लगभग 36% है। तो आज भी लगभग 30-35% के आसपास डिलीवरी अगर उठाई गई होगी तो लगभग 57 लाख इसी के आसपास शेयर शायद लोग अपने घर लेके गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है आज डिलीवरी परसेंट थोड़ा ज़्यादा आएगा। बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट में क्या संभावनाएं बनती है। देखिए यहाँ से अभी आपको कई दिनों से कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिल रहा है फिलहाल। RSI आप देख पा रहे हैं 65.93 है, बढ़िया है, बुलिश थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आपको प्रॉपर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभी फिलहाल अपने 50, 100 और 200 EMA के ऊपर है, और उसके ऊपर काफ़ी दिनों से चल रहा है।
मैं इस पर काफ़ी पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था मैं लगभग। अच्छा यहाँ पर भी आप देखिए क्लियर कट डब्लू का पैटर्न जो है वो विजिबल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, और उसके बाद आपको एक बढ़िया अप मूव भी देखने को मिला है। अब मेरे हिसाब से गाइस मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पर इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलनी चाहिए, और लगभग 300 के टारगेट मुझे पहले नज़र आते हैं, और एक बार अगर ये 300 तोड़ देता तो फिर मुझे लगता है कि फिर रॉकेट बनने से इसको फिलहाल कोई रोक नहीं सकता है। जिन्होंने यहाँ कहीं लिया फिलहाल घबराने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। लंबे समय वाले भी बिल्कुल टेंशन, मतलब जिन्होंने मुझे पता है कई लोग 400 पे भी लेके बैठे हैं क्योंकि 432 का इतने हाई लगाया है, तो यहाँ बस एवरेज करने की गलती अभी मत करिएगा फिलहाल, अभी एक दो दिन आप देखने दीजिए और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आने दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 275 पे है, 250 एक अच्छा सपोर्ट है, बाकी 200 तो फिलहाल बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, और अच्छा बाइंग लेवल यहाँ से मतलब बाइंग इमर्ज होती है यहाँ से। तो चलिए गाइस आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ गाइस मैं कोई सेवी स्टेडलिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए धन्यवाद।